फार्मर बिल लाया गया, उसे कानून का शक्ल दिया गया, उसको लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर आक्रामक तेवर अपनाए। अब उसी को काउंटर करने के लिए बीजेपी का माइनॉरिटी सेल ने डिसाइड किया है कि वो किसानों से सीधे जो है उनका सामान खरीदेंगे और ग्राहकों तक बेचेंगे, और इसे आत्मनिर्भर बाजार, किसान बाजार का नाम दिया गया है। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, किसानों से जो सामान खरीद कर लाया गया है, ऐसे छोटे छोटे टेम्पो में, ये देखिए ये एक गाड़ी है, इसके अलावा छोटे छोटे टेम्पो में सब्जियां खरीद कर लाई जा रही हैं और उसे सीधे ग्राहकों तक बेचा जा रहा है। लोगों के द्वारा यहाँ पर इसे सीधे तौर पर खरीदा जा रहा है ताकि जो दाम है उसे कम दाम में लोगों को आसानी से ये सब कुछ मिल सके और किसानों को भी इसका उचित दाम मिले। मेरे साथ वसीम जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ स्कीम है और इसके किस तरह से अंजाम दे रहे हैं। वसीम जी, बताएं कि ये जो आप लोग ये सब्जियां ला रहे हैं, ये डायरेक्ट किसानों से खरीद कर और कहां कहां से ला रहे हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, नासिक से और पूना से हम लोग डायरेक्ट किसानों से खरीद रहे हैं। माननीय हमारे मुंबई के अध्यक्ष आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी के नेतृत्व में पिछले एक महीने से हम लोग शेतकरियों से डायरेक्ट सब्जी खरीद रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि शेतकरियों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। और बिचौलियों का जो पैसा बिचौलिए खा जाते थे, जो सही दाम नहीं पहुंचता था किसानों को, हमने उसको रोकने का काम किया है और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो किसानों को मिले और अच्छी और ताज़ी और कम दामों पर सब्जियाँ हमारे आम नागरिकों को मिले। जिस तरह से उन्होंने 8 महीने की 9 महीने की पीड़ा झेली है महाराष्ट्र में, जो सरकार की विफलता रही है उससे आम जनता को जो नुकसान पहुंचा है, हम उसको बहुत हद तक भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने थोड़ा सा बताइए इसकी, देखिए ये क्वालिटीज देखिए, हाँ ये नया आलू है, सबसे बेस्ट क्वालिटी है जो हमने खरीदा हुआ है और बहुत ही कम दामों पे, मतलब बहुत रेयर। और ये देखिए कांदा, ये क्वालिटी जो हम अपने हमारे अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने कहा है कि जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो, जो अपनी वही चीजें आप लोगों को दीजिए कि सब बराबर है। और देखिए क्वालिटी देखिए प्याज भाव, की भाव क्या है, थोड़ा सा 50 रुपए किलो है और आप बगल में मार्केट है, आप वहाँ पता करेंगे तो ये 120 रुपए किलो कांदा है, वो भी ये क्वालिटी नहीं मिल पाएगी आपको। फिर ये सब्जी देखिए 25 रुपए किलो भिंडी, आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि इतनी सस्ती। और ये क्वालिटी देखिए, भिंडी की क्वालिटी देखिए, ग्रीन देखिए इसकी, ये कांदा, ये भी, ये सब बहुत सस्ते रेट में है, बहुत अच्छी क्वालिटी हमने वो किया हुआ है। और लोगों तक हमारा मकसद है कि जिस तरह से लोग परेशान हैं, आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और एक और हम एक मैसेज देने की कोशिश करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में ना जाएं ताकि कोरोना से बच सकें। लोगों के कॉल पर हम लोग उनकी सोसाइटीज़ में ये गाड़ियाँ भिजवा रहे हैं और ये भी ख्याल रख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। दूसरी बात, जिसके पास मास्क नहीं हो, हम उनको फ्री में मास्क भी दे रहे हैं। ग्राहक हम इनसे बातचीत करेंगे, क्या लेने आए आप, क्या लेने आए? मैं जो प्याज लेना है, प्याज। ये बताइए कि बाकी रेट से जो जगह रेट है यहाँ पे, उसकी तुलना में सस्ता है क्या? नहीं, मैं अभी मार्केट में मालूम करके आया तो 100 रुपया किलो है यही कांदा, और यहाँ 50 रुपया 50% मतलब डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो इसमें बहुत बड़ा फायदा है, 50% कम मिल रहा है। आप भी खरीदारी करने आए? हाँ। क्या लेने आए? भाजी लेने आए। क्या भाजी? भिंडी वगैरह ये सब। ऐसी बात है कि जिस तरह का भाव है उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह से लोगों का प्रतिसाद मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से लगातार एक फार्मर बिल के बाद, उसको कानून शक्ल मिलने के बाद जो घेराव हो रहा था, उसको काउंटर करने का एक तरीका इन्होंने निकाला है। आत्मनिर्भर किसान बाजार का इसे नाम दिया गया है और किसानों से जो उचित दाम है वो देकर उनसे यहाँ पर उस सब्जी को लाया जाता है और कम दाम में ही ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है, यानी कि किसानों को भी फायदा, ग्राहकों को भी फायदा और आत्मनिर्भर किसान बाजार को बढ़ावा। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TVN भारतवर्ष, मुंबई। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।